मोदी सरकार के अंतरिम बजट के पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अलग अलग इंडस्ट्री इस बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठी हैं। राजस्थान में डीडवाना सॉल्ट लेक के आसपास के नमक इंडस्ट्री को उम्मीद है कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में सरकार उनकी जरूरतों पर ध्यान देगी। सरकार जब ये बजट पेश करती है तो किसानों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में और सभी अन्य क्षेत्रों में जब ध्यान देती है, लेकिन हमारे यहाँ साल्ट लेक में सरकार का कोई पक्ष नहीं है। यहाँ पे कोई मतलब सरकार का कोई ध्यान नहीं है और यहाँ पे साल्ट लेक केंद्र सरकार के आती है, लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान में नहीं है। यहाँ सरकार के कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम मजदूर लोगों को भी बहुत मतलब यहाँ पे नुकसान है। कोई मजदूरी नहीं है यहाँ पे और न ही नमक व्यापार में कोई बेनिफिट है। यहाँ पे आज 20 साल से डूबी हुई है, तो गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे को किधर भी रोजगार देवा, हमारे पास कुछ है नहीं कमाने के लिए। यही तो हमारे बडेरू से चल रही थी और आज 20 साल से कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। नमक इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन श्रमिकों के लिए मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं जो नमक निकालने के कठिन काम में हादसों के शिकार हो जाते हैं। किसानों के लिए, युवाओं के लिए और शिक्षा की ओर अग्रसित है सरकार। हर बार नई नई योजनाएं लेके आती है, तो हम भी ये चाहते हैं कि ये लवण सोर्स है, इसकी ओर सरकार ध्यान दे और आने वाले बजट में इसको केंद्रित करें। इससे हजारों लोगों को आय का सोर्स है। नवा भी है, डीडवाना भी है और पचबद्रा भी है। ये सरकारी लेक है, निजी है नहीं, तो इसकी ओर सरकार ध्यान केंद्रित करे। जो यहाँ पे गंदा पानी यहाँ पे डाला गया है, उससे हमारे नमक झील को बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ नमक बनने में हमारी दिक्कत आ रही है और हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, जो भी हमारा बजट आता है तो उसे नमक श्रमिकों को भी कुछ ना कुछ फायदा दिया जाए। और हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो यहाँ नमक श्रमिक यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ मुआवजा या कुछ ऐसा करे, जहाँ पे जो नमक श्रमिक यहाँ काम कर रहे हैं उसको किसी तरह की दुर्घटना हो जाए, उसमें सरकार उसकी जिम्मेदारी ले और उन्हें कुछ ना कुछ मुआवजा प्रदान करे। ये अंतरिम बजट नई सरकार बनने तक सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए आम चुनाव से पहले वोट ऑन अकाउंट होगा। आम चुनाव खत्म होने और नई सरकार बनने के बाद इस साल जुलाई महीने में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।